इस रात के बज रहे हैं 2:15। एक्चुअली मैं आज गुरुद्वारे जाने के लिए लेट हो गया क्योंकि मैं अपनी क्या होता बुआ घर पांडव नगर मेरी बुआ आई हुई थी यहाँ पे हमारे यहाँ पे, तो हम उनको छोड़ने गए थे। फिर बुआ कहते डिनर करके जाना, तो बस फिर हम ऊपर गए थे, शहर वगैरह लिया हमने, सीधा फिर चले गुरुद्वारे साहब जाने के लिए क्योंकि लेट तो हम वैसे ही हो गए, बाबू जी का प्रकाश वगैरह सब निकल गया होगा इस टाइम पे। और आज हम वैसे शनिवार है, आज हमने मोती बाग गुरुद्वारे भी जाना है, बाकी चलते हैं फिर दर्शन कराते हैं आपको। रकाबन साहब बाबा जी के मत्था टेक लिया, अब हम चल रहे हैं अपना मोती बाग गुरुद्वारे, बंगला साहब हम होके आ गए, बस चलते हैं मोती बाग गुरुद्वारे। तो गाइस आ चुके हम गुरुद्वारे मोती बाग से, फिर बरसात आएगी, मौसम देखो। आ चुके हम गुरुद्वारे मोती बाग साहब, इतनी ये शीशे पे मेरे ओस क्यों जम रही है, मैं बार बार ये वाइपर से साफ कर रहा हूँ फिर ओस जम जा रही है यार। गुरुद्वारा मोती बाग साहब, गाड़ी अंदर लगाएंगे हम पार्किंग के, क्योंकि एक बार बाहर लगाई थी किसी ने, एक संगत ने गाड़ी बाहर लगाई थी, इसको सीधा ट्रक वाला ही मार गया पीछे से। बाकी हम अपना ये गुरुद्वारे में गाड़ी लगाएंगे, ये सीधा बाबा जी के दरबार के एकदम सामने। तो हमने बाबा जी के दरबार मत्था टेक लिया, अब यहाँ से चलते हैं सीधा घर, घर चल के कॉफ़ी बनाते हैं, सर दर्द हो रहा, गाड़ी गंदी होगी फिर धुलवानी पड़ेगी लगता है। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ VSA, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उन्हें बदते मैंने शाम दे छः इसलिए बज गए क्योंकि अज उसी उठे हाँ 4 बजे उठ गए, फिर सवेरे ऐसे सोई सी 10 बजे, क्योंकि मैं रात ही अपना स्टडी वगैरह कर रहे थे, तो मैं गुरुद्वारे गया था, तो गुरुद्वारों में आया से 4:30 बजे क्योंकि इधर सेवा वगैरह लगी थी इस करके। तो उस तो बाद फिर उठे हाँ, फिर कंबल ही आ गई पहले क्योंकि मम्मी पापा घर नहीं आके, फिर कंबल ही आई, कंबल ही ने कंटी मारी, फिर मैं दरवाज़ा खोलिया, फिर एक घंटा उनने सफाई की, मैं सो गया अपना। फिर आज छोटा बैठा पे ना कुत्ती का बच्चा रामी मेरा, इन्ने की किता अंदर वॉशरूम वगैरह सब कुछ करता, मैं जब एकदम उठा वॉशरूम जान वास्ते मेरे गलती ना पैर लग गया, इन्ने एक्चुअली पोटी करती सी, फिर वो साफ कीती। फिर उस तो बाद मैं फिर सोने की कोशिश की कि एकदम मेरी नींद खराब हो गई, मैं डिस्टर्ब हो गया, तो एकदम फिर मेरी पुआ भी आ गई, ताई भी आ गई, उतरों मासी तुमने एक साथ आ गए क्योंकि अगले महीने साढ़े पंजाब को रिश्तेदार आते पे ना, इस करके मेरे कज़न भरा का ब्याह, तो अगले महीने से पंजाब जाऊँगे संगरूर भवानीगढ़। तो बाकी हूँ असं रेडी वगैरह हो चुके हैं, हूँ असं नीचे शाम में उतरने जा रहा, मैंने किधर कम से एक दोस्त आया सी मैं उन्होंने मैं मिलन जा रहा नीचे, फिर दोनों मैं दसता। रेडी हो चुके हैं शाम के बज रहे हैं, अभी हम हो चुके हैं रेडी, शाम के बज रहे हैं 6, बस अब नीचे उतर रहे हैं, घूमी घूमी जाना है पहले, इसको जरा राउंड मरवा दें कश्मीरी। हम आए हुए हैं कनाट प्लेस में, थोड़ा मेरे को काम वगैरह था इधर के साइड भाई के साथ हमारे, हाँ सीधा चलना है, तो हम आए हुए इधर की साइड पे, जो हमारा काम वगैरह था हमने निपटा दिया, अब भूख लग रही है, अभी यहाँ से ज़रा कुछ खाने चल रहे हैं फर्स्ट क्लास। बाकी आज का दिन तो जो ब्लॉग वगैरह था ऐसे ही रहेगा क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा खास आउट वगैरह तो किया नहीं है, जो भी किया मैं डाल दूँगा। बाकी अब उमर कॉलोनी की साइड जा रहे हैं, कॉफ़ी उठाएंगे, थोड़ी गॉसिपिंग वगैरह करेंगे, नैप वगैरह लेंगे, एंड देन अपना फिर आपको बताते हैं मजा। हमने अभी ये मंगवाया अपना चिकन कुरकुरे मोमोस और ये चिकन, बाकी अभी आ रहा है। चुके हैं साउथ टेक्स, मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ बाहर निकल के, एक बार खा लो ना फिर निकला नहीं जाता। तो हम आ चुके हैं साउथ टेक्स की मार्केट के अंदर, ये रही मेरे पीछे सारी मार्केट, दो कॉफ़ी बोली हमने मैं और भाई पियेंगे, बाकी आज का दिन तो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड रहा, बाकी अभी ऐसे घर चलेंगे फिर आपसे बात करते हैं। कॉफ़ी हमने ले ली है, अभी ऐसे चल रहे हैं सीधा घर, अब बाकी चलते फिर बताता आपको।